हेलो फ्रेंड, डेलीशियस इंडियन फूड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक ऐसी यूनिक रेसिपी लाई हूँ और वो है हरे चने के वड़े। हरे चने के वड़े बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हरे चने के वड़े बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है तो देख लेते हैं। मैंने यहाँ 200 ग्राम के करीब हरे चने लिए हैं। उनको मैंने अच्छी से वाश कर लिया है। आधा टेबल स्पून अजवाइन, आधा टेबल स्पून जीरा, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 ली है, धनिया पत्ती मीडियम साइज के 2 प्याज लिए हैं जो मैंने टुकड़ों में काट लिया है, 2 से 3 चम्मच चावल का आटा लिया है और 3 से 4 करी पत्ते जो मैंने उनको धोकर बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम हरे चने को दरदरा पीस लेते हैं। हमने हरे चने को दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। हमें इस तरीके से दरदरा पीसना है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें जाएगा अजवाइन, यू क्रश करके डालिएगा, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, हरा धनिया, हरी कटी हुई मिर्च, करी पत्ते, प्याज और चावल का आटा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और नींबू के आकार की लोई ले लेंगे और उनको गोल गोल इस तरीके से बना लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सभी वड़े को इसी तरीके से बना लेंगे, प्लेट में रख लेंगे। सभी वड़े को इस तरीके से बना लेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख लेते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है। अब सभी वड़े को एक एक करके तेल में डालते जाएंगे। और इसको अलट पलट कर मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। हमारे वड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड, आप इसको हरी चटनी टोमेटो सॉस के भी साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।